अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शिजलिम खान और आप देख रहे हैं डिटिंग फॉर यू गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आऊँ एक और उर्दू लिरिक्स ट्रेनिंग वीडियो डिंगा ट्यूटोरियल। तो गाइस यहां पर मैं आपको डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। अल्लाह ताला कहते हैं मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। तो गाइज कुछ तरह की जो सी वीडियो देंगे इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ये भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड की थी, कहा था गाइज इसके ऊपर ट्यूटोरियल लेकर आए, तो यहाँ पर गाइज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। सो गाइज वीडियो को आपने एंड तक जरूर देख लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप समझ छोटी गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, और गाइज आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देन गाइज यहाँ पर आपको लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। सिंपली गाइज कुछ इधर आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा, आपने प्लस के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर गाइज आपने अपनी मर्जी की रेशियो चूज कर लेनी है। जौन सी गाइज वीडियो है वो 9:16 के रेशियो में, तो यहाँ पर गाइज मैं करियर प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर दूंगा। देन गाइज यहाँ प्लस के ऊपर टैप करके यहाँ पर आपने आइडियो ले आनी है। अगर गाइज वीडियो फॉर्मेट में तो मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से गाइज आपने चूज कर लेनी है। तो गाइज यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। देन गाइज यहाँ पर मैंने आइडियो जो सी होगी वो ऐड कर लिया है वीडियो की सूरत में, तो उसको यहाँ पर आपने आइडियो में चेंज कर लेना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके एक्सटेंड आइडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। वीडियो जो सी होगी गाइज यहाँ पर आपने डेल कर देनी है, और यहाँ पर गाइज आपने बीट मार्क्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं अंदाजे के तौर पर यहाँ पर लगा देता हूँ। देन आपने फुल एंड तक लगा देने हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने बैग आ जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक XML प्रोवाइड कर दूँगा, वो यहाँ पर गाइज आपने ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर गाइज मैं XML ओपन कर लेता हूँ। देन गाइज ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपने इसके ऊपर टैप करके यहाँ पर आपने कॉपी क्लियर कर लेना है, और यहाँ पर गाइज आपने बैक आ जाना है। देन गाइज यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने इसके ऊपर टैप करके पेस्ट लेयर के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर गाइज आपने टाइमिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने एंड की तरफ ले आना है, और यहाँ पर गाइज आपने सेट कर देना है कहाँ पर आप इसको एडजस्ट करवाना चाहते हो। सेट वगैरह भी आपने देख लेना है अपनी मर्जी से। दो जैसे गाइज यहाँ पर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर आपने इफेक्ट के ऊपर चले जाना है, और यहाँ पर गाइज जो वेव वर्प है इसको आपने इनेबल कर देना है। देन गाइज इनेबल करने के बाद ग्रेशन ब्लर को भी आपने इनेबल कर देना है। एक इफेक्ट और यूज़ करना है आपने, तो एड इफेक्ट के ऊपर अगेन से क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर गाइज आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, स्पेसिंग मिल जाएगा आपने इसके ऊपर टाइप कर देना है। देन गाइज स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ये आ चुका है गाइज, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। देन गाइज ये ऊपर आ चुका है, आपने इसके ऊपर टैप कर देना है। देन लेटर स्पेसिंग जो आपको नजर आ रही है आपने स्टार्ट पे आ जाना है, यहाँ पर आपने एक की यूज़ कर लेनी है। देन गाइज यहाँ पर आपने फुल एंड तक आ जाना है, यहाँ पर आपने एक की यूज़ कर लेनी है। देन गाइज जो एंड वाली की होगी आपने इसके ऊपर टैप कर देना है, और यहाँ पर गाइज आपने इसको -55 कर लेना है। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको -55 कर लेता हूँ। ये हो चुका है। देन गाइज यहाँ पर आपको जो लाइन स्पेसिंग नज़र आ रही है इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आपने बढ़ा लेना है। तो मैं 101 कर देता हूँ यहाँ पर। इतना कर लेने के बाद देख सकते हैं गाइज कुछ तरह का आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज मैं बैक आकर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। आपको ब्लर नजर आ होगा, पर यहाँ पर आपको सेम टू सेम नजर आ जाएगा। आप जो सा गाइज उस वीडियो में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का। देन यहाँ पर आपको सेकंड लेयर स्टिक नहीं लिया, आपने इसके ऊपर टाइप कर देना है। देन यहाँ से गाइज आपने कॉपी लेयर कर लेना है, और आगे जहाँ पर आपका लिरिक्स बनता है वहाँ जाकर आपने पेस्ट क्लियर कर देना है। देन गाइज यहाँ पर आपने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइज मैं टाइमिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कट कर लूँगा, और यहाँ पर गाइज आपने एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से करके इसको रिमूव, और जो सा भी गाइज आपका लिरिक्स बनता है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर गाइज मैं ये वाला पेस्ट कर देता हूँ, मत सोचो। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गाइज आपने इसको मिड पर कर देना है। देन टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट वाला गाइज मिड पर नहीं था मेरे ख्याल में, तो यहाँ पर गाइज आपने इसको मिड पर कर देना है। देन टिक के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर गाइज मैं इसको मिड कर देता हूं। देन गाइस इतना कर लेने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। देन गाइस यहां पर आपने एक पर्टिकुलर वीडियो जोन सी होगी कोई भी होगी गाइस वो यहां पर आपने यूज कर लेनी है। तो प्लस के पर टैप करके मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहां से गाइस आपने एक पर्टिकुलर वीडियो यूज कर लेनी है। तो गाइस ये वाली वीडियो मैंने चूज कर ली है, आपने इसके ऊपर टैप करके यहां पर गाइस आपने इसका ऑडियो जो होगा वो रिमूव कर देना है। देन गाइस यहां पर आपने ब्लेंडिंग ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर गाइस आपको मिल जाएगा लाइट एन, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइज आपने इसको स्क्रीन कर देना है। कोई भी यहाँ पर गाइज आप यूज़ कर सकते हो। देन थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा, और गाइज छोटी हो तो यहाँ पर गाइज आप इसका डुप्लीकेट ले सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया गाइज। देन गाइज अगर आपके पास कोई पार्टिकल वीडियो मौजूद नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो वहाँ पर गाइज मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, यानी इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे गाइज मुझे लगता है कि आपके पास होगी, तो इसलिए मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कुछ तक आपको नजर आ। देन राइट आप में आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सपोर्ट का, तो आपने इसके ऊपर टैप कर देना है, और यहां पर गाइस आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चलते चलते अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।